हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता। मेरे चैनल अमृता कुकिंग क्रिएटिव इट पर आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ चेरी टमाटो ग्रेवी। तो यहाँ पे चेरी टमाटो ली हूँ, कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन और एक टमाटर ली हूँ, मिल्क पाउडर, काजू, स्वीट कॉर्न, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाले। खड़े मसाले में ली हूँ शाही जीरा, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। एक पैन गैस के ऊपर चढ़ाते थोड़ा तेल डाल दे। तेल गर्म होने के बाद प्याज, अदरक, लहसुन डाल दे। थोड़ा टाइम भून लेंगे। इसी में काजू और कटे हुए टमाटर डाल दें। एक हरी मिर्च डाल रही हूँ। भून लें और ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डालकर स्मूथ पेस्ट बना दें। उसी पैन में थोड़ा तेल डाल दें, खड़े मसाले डाल देंगे। शाही जीरा जगह नॉर्मल जीरा डाल सकते हैं। कुछ सेकंड भून लें। अभी बनाए गए पेस्ट को डाल दें। स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दें। मसाले को भून ले। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाले डाल दे। मेरे पास मलाई नहीं था, उसी की जगह मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दे। तेल मसाले से अलग होने के बाद गर्म पानी डाल देंगे। ये भी ठीक रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम पानी डाल सकते हैं। कढ़ी में उबल आने के बाद स्वीट कॉर्न और चेरी टमाटर डाल देंगे। अभी 4 से 5 मिनट के लिए कवर ढककर कुक कर ले। हमारा चेरी टमाटो ग्रेवी तैयार है। आप इसे रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं।